हे फ्रेंड्स, मैं चिराग व्हाट्सएप ग्रुप की पहली वीडियो के साथ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वेलकम करता हूं। यहां पे हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 सारा कवर करेंगे। हर पीडीएफ के साथ आपको वीडियो भी एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में सारी की सारी मिलेगी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो पहला जो यूनिट 1 है, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, उससे रिलेटेड हम पहला पार्ट देख रहे हैं आज। इसमें आपको वीडियो के साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर मिलेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो आप देख लेते हो, उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे थे, इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो सारा पार्ट मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए जितने भी आपके रिलेटिव या जानकार हैं, अगर उनको पता नहीं है कि इस ग्रुप के बारे में, तो उनको ज़रूर बताइए। लोएस्ट फीस है 1000 रुपीज़ ओनली है, और आपको पता है कि पर्टिकुलर इस फीस में आपको सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो कि और कहीं आप देखते हो तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है, साथ में ग्रुप डिस्कशन होता है, वीडियो नहीं मिलती। अगर वीडियो भी मिलती है तो आपको साथ में एमसीक्यूज नहीं मिलते हैं, या आपको पार्ट आधा अधूरा कराया जाता है। यहाँ पे आपका पूरा पार्ट कवर होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है वो बताइए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने नहीं लिया, तो वो भी मैं ज़रूर कवर करवाते रहूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन, फिर देखेंगे नेचर, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी थ्योरी के बाद एमसीक्यूज किस टाइप के इसके आए हुए पास्ट ईयर के एमसीक्यू से रिलेटेड। तो पहले देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जनरली वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। जनरली बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजी रहने की एक्टिविटी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वो प्रोसेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, गुड्स एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसका मतलब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसमें ली जाती है, न कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जब भी आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको पता है कि कुछ इंटरनल फोर्सेस होती है और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती है। इंटरनल फोर्सेस तो फर्म के विद इन अंदर ही होती है, जिसको आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जनरली हम बोलते हैं कल्चर, वैल्यू सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारा पार्ट जनरली जो होता है, जो कि आगे हम देखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट में, वो सारा पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस जरूरी नहीं है कि आप कंट्रोल कर पाओ, या तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, या जो कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती है जो आपकी पहुंच के परे होती है। तो उसमें दो पार्ट देखेंगे, माइक्रो और मैक्रो। तो ये बोल रहा है कि बिजनेस के साथ जब एनवायरनमेंट का पार्ट आ जाता है, तो बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटी भी आती है, कुछ थ्रेट्स भी आते हैं। अगर हमने अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और ग्रैब कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे और हमारी फर्म ग्रो करेगी, प्रॉफिट होगा। अगर थ्रेट्स हैं तो उसको हमें दूर करने का भी सोर्स देखना चाहिए, यानी हमें पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमारे पास अगर एक एक्शन फेल हो रहा है या एक प्लान फेल हो रहा है, तो हमारे पास दूसरा प्लान भी होना चाहिए, अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। नहीं तो वो थ्रेट्स हमें और कमज़ोर करते जाएंगे और हमारी वीकनेस वो पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या बोल दिया, सारे के सारी एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, ट्रेड, बैंकिंग जो सर्विसेज से रिलेटेड आ गया, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एनर्जी, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एंड न्यूमरस अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती है। एनवायरनमेंट में वैसे दो फोर्सेज आती है, मैंने बताया इंटरनल और एक्सटर्नल, पर जनरली जब भी आप डेफिनेशन देखोगे तो इंटरनल का ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि वो तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल करते हो। तो यहाँ पे जब भी आप एनवायरनमेंट देखते हैं तो उसमें सारी एक्सटर्नल फोर्सेज डेफिनेशन में दी हुई होती है। तो ये बोला है विच हैव ए बेयरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस को एक तरीके से क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, या तो वो पॉजिटिवली करेगी या नेगेटिवली करेगी। तो ये बोला द एनवायरनमेंट इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटी, तो कुछ फर्म के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है और कुछ फर्मों के लिए क्या हो सकती है, वो थ्रेट्स भी हो सकते हैं। जैसे एक नई फर्म एंटर हुई मार्केट में, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन का डर लगा दूसरी फर्मों को, तो थ्रेट्स हो गया एक तरीके से। अब उस फर्म को कैसे ओवरकम किया जाए या उसको कैसे दूर किया जाए, वो तो पुरानी फर्म क्या करेगी, पहले से ही सोच के बैठी होगी। लेकिन अगर नई फर्म आई और गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दे दी, तो वो फर्म के लिए क्या लगी, नई फर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी लगी, और उस फर्म ने क्या करा, धीरे धीरे ग्रो करता गया, और वो भी एक तरीके से क्या हो गई, अपने बिजनेस में जम गई, ठीक है। तो वो ग्रो करते करते पोटेंशियल उसका ग्रो हुआ, और उसके बाद उसने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसको पता है कि कभी ना कभी तो क्या होगा, उसको भी धीरे धीरे क्या होगा, ये बोल सकते हैं कि बिजनेस डाउनफॉल में आ सकता है। जैसे नोकिया, तो नोकिया जनरली क्या थी, आपको पता था कि एक सिम्बियन बेस्ड कंपनी थी, यानी सिम्बियन सॉफ्टवेयर बनाती थी, उससे अलावा पहले वो जावा सॉफ्टवेयर करती थी, उसके बाद सिम्बियन लेके आई। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड वर्जन आया, तो उस केस में क्या हुआ, वो कंपनी पिछड़ गई और धीरे धीरे करके उसकी सेल गिरती गई। तो उसने अपने थ्रेट्स को नहीं देखा और वो डाउनफॉल की तरफ चलती गई। तो यहाँ बोल सकते हैं कि इट कैन बी स्टेटेड दैट इट रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ ऑल फोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप रैनबैक्सी को देखोगे, तो वो एक तरीके से क्या बनना चाहती थी, रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनना चाहती थी, जो कि वो बनी, और उसने फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहा। अब उसको पता था कि वहाँ पे रिस्क भी
रहेगी और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो भी पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल है, वो उसको अफेक्ट करेंगे, उसको कैसे उसको ओवरकम करना है वो उसको देखना था, जो कि उसने अच्छा खासा देखा और फॉरेन मार्केट में जगह भी बनाई। तो ठीक है, इस तरीके से आपका पार्ट रहता है। अब देखते हैं किसकी तरफ, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि इतना ज़्यादा आपको काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपका पूरा पार्ट कवर हो जाए। तो देखो क्या बोल रहा है, बेयर्ड ऑफ व्हीलर, टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। ये पहले बता दिया मैंने आपको। कीट डेविस ने अपनी जो बुक है फेमस द चैलेंजेस ऑफ बिजनेस, उसमें क्या बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्टेड। अगर आप देखते हो कि कोई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, यानी इकोनॉमिक कोई पॉलिसीज है वो चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कोई इवेंट आ गया, तो अभी आप देखते हो कि कैब, CAB, NRC, इससे रिलेटेड पार्ट आ गया, तो उस केस में क्या हो गया, हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में भी डाउनफॉल जनरली होता रहेगा। तो वो एक तरीके से पूरे बिजनेस के एनवायरनमेंट पे अफेक्ट डालता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन वोडक्शन से रिलेटेड रॉ मटेरियल चाहिए, क्या पता जहाँ पे ये हड़ताल या स्ट्राइक जितने भी पार्ट हो रहे हैं वहाँ से गुड्स आते हों और वो आपको नहीं मिल रहे हो। JNK की जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की उस वक्त अपने क्या बोल दिया था कि धारा लग गई थी 144, 370 जो पार्ट है सेक्शन से रिलेटेड, वो पार्ट हुआ था केस, तो उसमें भी क्या हो गया, वहाँ से जो हमारे पास गुड्स आते थे या वहाँ से जो भी हमारे पास फ्रूट से आते थे वो नहीं आ रहे थे। तो कुछ बिजनेस पे असर होता है, वो सारा पार्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है और एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वो उसको अफेक्ट करते हैं, किसको, बिजनेस को। तो यहाँ बोल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट एनकम्पासेस ऑल दोज फैक्टर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल दैट अफेक्ट्स ए कंपनीज ऑपरेशन एंड इंक्लूड्स स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, इंटरनल पावर रिलेशनशिप्स, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक कंडीशन। आप बोलोगे इतने सारे पढ़ा रहे हो, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सारे के सारे पार्ट आ जाएंगे और कुछ आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ जाएंगे। सोशल कल्चर फैक्टर, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, नेचुरल फैक्टर, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट, क्लाइंट एंड सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लॉज एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो इसमें कुछ आपके इंटरनल थे शुरू में और बाद में एक्सटर्नल में भी आपके दो पार्ट आते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो को हम मेगा एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, या हम एक्सटर्नल को ये भी बोल सकते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं है। अब हम देख रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ। थोड़ा सा पार्ट कभी कभी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में या असर्शन रीजन के फॉर्म में भी आ जाता है, इसलिए हमें यह पार्ट साथ साथ देखना थोड़ा पड़ता है कि थ्योरेटिकल शुरू शुरू की हमें नॉलेज हो जाए। अब ये नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या बोल रहा है, सबसे पहला है डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जनरली जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल, जनरली उनमें आपस में क्या होता है, एक तरीके से डिपेंडेंसी होती है। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक पे। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट की बात करूँ, डिफ्लेशन रेट की बात करूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूँ, या एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, तो वो सारा एक तरीके से लिंक पार्ट है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक से रिलेटेड। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी स्टेबल रहेंगी और वो एक तरीके से इकोनॉमी के लिए फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो एक तरीके से मैंने क्या बोला, दोनों में रिलेशनशिप है, डिपेंडेंस है। तो वैसे ही सोशल कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, अब जैसे आप जनरली बोलते हैं पॉलिटिकल तो उसमें जुडिशरी भी पार्ट आता है, लेजिस्लेटिव भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आता है, फिर लीगल में जनरली क्या आता है, एक्ट बनते हैं, तो वो पॉलिटिकल एंड लीगल एक साथ फैक्टर रह गया। टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस होते हैं, अगर गवर्नमेंट ने उस पार्ट को रोक दिया, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में इस पार्ट को अप्लाई कर दिया, तो टेक्नोलॉजी फैक्टर जो एडवांटेज है वो हम नहीं उठा पाएंगे, या बाहर की फर्म से, जो बाहर की कंपनियों से या बाहर के फॉरेन मार्केट से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं जो भी पार्ट, वो हम नहीं फ़ायदा उठा पाएंगे। तो यहाँ पे बोल दिया कि सारे फैक्टर्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते हैं। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, वेरिएबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, याद रखिए, क्योंकि एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये जनरली फ्लेक्सिबल क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस आपका टाइम टू टाइम चेंज होता है, किसके हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज हो रहा है, अगर इन्फ्लेशन आ रही है, डिफ्लेशन आ रहा है, यानी अगर मैंने बोला बूम पीरियड आ रहा है या डिप्रेशन आ रहा है, तो इस हिसाब से बिजनेस को अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ती है और बिजनेस की पॉलिसीज या प्लानिंग को भी लॉन्ग टर्म के लिए जो बना रखी है उसको भी चेंजेस करना पड़ सकता है। तो कभी कभी उसके बाद जो भी थ्रेट आते हैं उसको सामना करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अल्टरनेटिव एक्शन या प्लान बनाने पड़ते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये बोल रहा है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इट मीन्स दैट एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। इन सेम वे, ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन बिजनेस फैक्टर्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस आर ऑल्सो चेंज। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना पड़ेगा, यानी ये देखना पड़ेगा
कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, उस हिसाब से मेरे पास प्रॉपर प्लान या एक्शन है या नहीं है। तो उसको अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, पेस्टल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि इस कोर्स में नहीं है जबकि पिछले कोर्स में था। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो पार्ट मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पार्ट है उसमें मैंने स्वॉट, पेस्टल, इंडस्ट्री एनालिसिस, कॉस्ट क्वेस्ट एनालिसिस, ये सारा पार्ट बताया हुआ है। फिर है तीसरा मल्टीफेरियस नेचर। इसका मतलब क्या होता है, जनरली आपने मोबिलिटी देखी तो उस केस में बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल था, उस वजह से क्या हो गया, एक तरीके से वो डाइवर्सिफाई हो गया, किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है कंपनी के लिए और किसी के लिए नेगेटिव। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक कंपनी के लिए वो अपॉर्चुनिटी है तो क्या पता दूसरी कंपनी के लिए वो थ्रेट बन जाए। कभी कभी क्या होता है ट्रेड बैरियर होते हैं, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हम इंपोर्ट करते थे बाहर से रॉ मटेरियल तो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो यहाँ की कंपनियों के लिए एक तरीके का फ़ायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाने लग जाएगी और हमें क्या करेगी, सप्लाई करना चालू कर देगी। तो जो हम बाहर से खरीदते थे वो नहीं खरीद पाए और यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए तो क्या हो गया एक तरीके से थ्रेट, और यहाँ की कंपनियों के लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये बोल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेरियस इन नेचर एज इट चेंजेज अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड एंड प्लेस। देर आर फ्रीक्वेंट चेंज इन द एनवायरनमेंट विच आर फॉलोड बाई ए चेन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शन। पॉजिटिव मैंने क्या बोला, यानी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और दूसरी कंपनी के लिए क्या है, वो थ्रेट है। तो एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन रहता है। तो मल्टीफेरियस मतलब डाइवर्सिफाई, जिसको हम बोलते हैं विविधता हिंदी में, ठीक है, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के भी होंगे जो जनरली इंग्लिश मीडियम के थ्रू एग्जाम भी दे देते हैं और थोड़ा उनको समझ में भी आ जाता है, इसलिए बताया मैंने। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तो एक तरीके से डिफ़िकल्ट टास्क है बिजनेस का, क्योंकि जनरली ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को एक तरीके से पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, इस चेंजेस के बारे में अवेयर होना चाहिए और उस हिसाब से उसे अपनी पॉलिसीज और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। फिर पाँचवा है नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंटल चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी आपका क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है मशीन का, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है आपकी, चले जाती है, तो उस केस में क्या करोगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चलो उसको तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो गया तो वो कंट्रोलेबल फैक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें आप जनरेटर लगा सकते हो अगर कोई चेंजेस हो रहा है। मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो आप अल्टरनेटिव मशीन भी सोच सकते हो कि एक और मशीन खरीद के रख लेते हैं ताकि कभी भी ब्रेकडाउन होए तो वो हमारा काम रुके ना, या इतने लेबर सफिशिएंट हो ताकि वो काम कर सके। लेकिन कुछ क्या होते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन का पार्ट आ गया, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो तो क्या है मार्केट की फोर्सेस के थ्रू हो रहा है, तो वो अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा, उसको एक पर्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री या बिजनेस चेंज नहीं कर सकता। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी एक्सीडेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, और मैंने बताया ना सेकेंड प्लान वो बनाया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कभी भी आप गिरोगे तो धड़ाम से गिर जाओगे। तो ये बोल रहा है कि हमें इसको टाइमली पता रहना चाहिए तभी हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। अब हमारे किसकी तरफ, एलिमेंट्स या टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें आपके दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब भी मैं एक्सटर्नल बोलूँ तो उसमें आप माइक्रो देखते हो और मैक्रो देखते हो, और इंटरनल एनवायरनमेंट जनरली क्या होता है, वो फर्म के अंदर ही होते हैं, विद इन ए फर्म होते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जनरली। एक्सटर्नल की बात करते तो माइक्रो होता है और मैक्रो होता है। माइक्रो जो आप देखोगे कुछ हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन मैक्रो जो होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो जो होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, इसको हम मेगा एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम आज देखेंगे कौन सा, इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट। तो चलते हैं सारे पार्ट की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, वैसे मैंने सारा पार्ट नीचे कवर कराया, अगली वीडियो में इसका पार्ट कवर होगा माइक्रो और मैक्रो का, और उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो माइक्रो मैक्रो के एक साथ कवर हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ और उसके पर्टिकुलर हम एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट में, इट रेफर्स टू फैक्टर्स इंटरनल टू द फर्म। इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टर एग्जिस्टिंग विद इन ए बिजनेस फर्म, दीज फैक्टर्स आर जनरली कंट्रोलेबल बिकॉज द कंपनी हैज कंट्रोल ओवर दैम एंड डिटरमिन द पोटेंशियल ऑफ ए कंपनी टू मीट द एनवायरमेंटल चेंजेस। जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, चैलेंजेस हुए हैं, चेंजेस बोल रहा हूँ, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके पूरे करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो जनरली आप देखते हो कि कोई कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है या कोई भी वैल्यू सिस्टम चल रहा है, वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ओपन का मतलब क्या हुआ कि सबको पता है कि कंपनी में क्या कल्चर चल रहा है। जो भी टॉप पोजिशन पर बैठे हुए बंदे हैं यानी पर्सन है, अगर वो जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो भी वो नॉर्म यानी नॉर्मेटिव एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, वर्किंग लैंग्वेज है उनकी, कोई उनका सिस्टम है जो चले आ रहा है, जो प्रैक्टिसेस हैं जो पुराने कल्चर के थ्रू चले आ रहा है, तो वही हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें बिजनेस से बाहर निकाल दिया जाएगा।
तो यहाँ बोल रहा है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर या जो वैल्यू सिस्टम है, जो भी नॉर्म्स, पॉलिसीज, एथिक्स है, वर्किंग लैंग्वेज है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो कि डेली डीलिंग में काम आते हैं। तो याद रखना, कभी कभी बिजनेस एथिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये भी बोल देता है कि जो बिजनेस एथिक्स होता है वो नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव होता है। हाँ, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है कि ये एथिक्स फॉलो किए जाएंगे, और उसको पूरा डिस्क्राइब किया जाता है ताकि सामने वाले को पता रहे। तो वो कंपनी की पॉलिसीज जो भी होंगी वो कॉर्पोरेट कल्चर और वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड आ जाएगी। दिस में रेफर टू एज कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ए कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस दैट आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो धीरे धीरे करके क्या हो गया, जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होता गया, ये कल्चर डेवलप होता गया कि हमें ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, हमें फॉर्मल्स में रहना पड़ेगा। अब जैसे आप गूगल देखोगे तो वहाँ पर जनरली जो भी एम्प्लॉय आते हैं, बाहर का मैं बता रहा हूँ, तो जनरली वो किसी भी पार्ट में शॉर्ट्स वॉर्ट्स आराम से आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, उनके रेस्ट के लिए भी जगह प्रोवाइड की गई है वहीं पे ही, कि अगर वो थक जाते हैं, इसी तरीके से उनको कोई गेम वेम खेलना है तो वो भी उनके लिए एक एरिया प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरीके से वो उनके कल्चर का पार्ट है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे इंडिया में वो कल्चर रहे और ट्रेडिशनल कल्चर ही रहे जो कि बिजनेस में भी अप्लाई हो जाए। देखो, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट जो आता है वो एक्सटर्नल का है, वो पीपल से रिलेटेड है, वो बाहर से रिलेटेड है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट यानी बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस में क्या कल्चर और वैल्यू सिस्टम फॉलो हो रहे हैं, न कि बाहर सोसाइटी में क्या फॉलो हो रहे हैं। वो सोसाइटी में हो रहे हैं तो वो सोशल कल्चर आएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनल की बात कर रहे हैं। फिर है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमें पता है कि देखो, जैसे हम बोलेंगे कि हमें इंडिया को क्या है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है आने वाले 5 साल में, तो आपका एक विजन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खूब सारे मिशन बनाने पड़ेंगे और ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कंपनी भी क्या करती है, विजन बनाती है। जनरली रैनबैक्सी का क्या विजन है, या क्या विजन तो नहीं, जनरली मिशन क्या है कि रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनना। मेरा क्या विजन है कि सबका विकास चिराग के साथ, तो उस केस में मेरा मिशन क्या है कि लोएस्ट फीस पे सबको प्रोवाइड करूं, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेट क्लियर करवाना आपका, साथ साथ JRF जिनका भी हो जाए वो भी साथ साथ क्लियर कराना। तो यहाँ पे मैं ये भी बोलूं कि JRF सबका क्लियर तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो वो भी ज़रूर क्लियर होगा। तो ये बोला विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी गाइड्स इट्स प्रायोरिटीज़, फिलोसॉफी एंड पॉलिसीज। तो मैंने क्या पॉलिसीज़ फॉलो करी, मुझे आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, मेरी क्या फिलोसफी रहेगी, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, वो उस पर मैं पहले से ही कन्फर्म हूँ और उसको मैं चेंजेस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप मुझे सजेशन देंगे तो उसको मैं अडेप्ट करने के लिए तैयार रहूँगा। फिर इसी तरीके से बोलते हैं कि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, तो इसमें जनरली क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन आती है। यह जनरली क्रिटिकल फैक्टर होता है कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो भी हाईएस्ट डिसीजन मेकर अथॉरिटी होती है उनमें एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये फैमिली कंट्रोल भी हो सकता है या प्रोफेशनली मैनेज भी हो सकता है। अब सपोज करो कि जो नॉमिनी है, इसके फैमिली कंट्रोल जो भी बिजनेस है उसके नॉमिनी है, उनके पास बहुत सारी होल्डिंग रहती है, उनके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डिंग वैल्यू जो भी आती है वो किस में आती है, इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है, क्योंकि जनरली वो तो या तो फैमिली कंट्रोल होती है या प्रोफेशनली मैनेज होती है। तो उसको भी हम अंदरूनी देख सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं कि किसको कितना शेयर होल्डिंग देना है या किसको कितना हटाना है, जनरली प्रमोटर्स को कितने शेयर देने हैं, वो सारा पार्ट आ गया। पावर स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। अगर सही रिलेशन है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसान होगी, अगर सही रिलेशन नहीं है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी और वो बिजनेस पे बुरी तरह इम्पैक्ट डालेगी। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट इसके थ्रू ही स्ट्रांग हो सकता है। इसके बाद बोल रहा है ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, इसमें क्या बोल रहा है कि जनरली जो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे उसकी क्वालिटी क्या है, स्किल्ड लेबर, उनकी कमिटमेंट क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, हम उन्हें क्या मोटिवेशन दे रहे हैं, उनकी सैलरी कैसे कैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे, वो सारा पार्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो सारा पार्ट ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाता है। फिर अगले पार्ट पे देखते हैं, अगले पार्ट में क्या कह रहा है। जनरली कंपनी की जो इमेज है अगर वो अच्छी रहेगी, एक ब्रांड नेम होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो फाइनेंस आराम से रेज करेगी। इसके अलावा दूसरी कंपनी भी उनके साथ जॉइंट वेंचर करने में या स्ट्रेटेजिक अलायंस करने में, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटरनेशनल, जो कि आप इंटरनेशनल बिजनेस वाले पार्ट में भी देखोगे कुछ ना कुछ पार्ट, तो अलायंस करने के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगी, ठीक है। इसी तरीके से डीलर चूज़ करना, सप्लायर चूज़ करना, वो सारा इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें सप्लायर्स भी आराम से मिल जाएंगे अगर हमारी कंपनी की इमेज अच्छी है। अगर कोई सप्लायर हमें गुड सप्लाई नहीं कर रहा तो हमें पता है कि अल्टरनेटिव जो सप्लायर है वो भी हमारे पास है और पहले से हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, गुड्स ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे क्या क्या कस्टमर बेस रहेगा, हमारे पास वो कितना कैश जनरेट होगा, वो सारा पार्ट हमें पता है। तो ब्रांड इक्विटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको देख सकते हैं और चेंज भी
कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लायर्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है अलाइंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जो पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिजिकल रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी लास्ट पार्ट है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है वो फ़र्क करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, मान लो कि 10 लाख यूनिट्स और आप 8 लाख यूनिट या 7 लाख ही बना पा रहे हो, तो इसका मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, या तो ये हो सकता है या आपके पास लेबर इतने नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसको इस हिसाब से चेंज करने की सोचोगे। टेक्नोलॉजी आपके पास पुरानी है उसको नहीं करने की सोचोगे, ठीक। वैसे तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल में आता है, लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है उसको आप चेंज भी तो कर सकते हो। तो आपके पास जो आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है फिर भी आप पुरानी टेक्नोलॉजी अपना के बैठे हो, आपने क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, आप क्या चेंजेस करना चाहते हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, किस किस चैनल्स के थ्रू होगा, डायरेक्टली आप ऑनलाइन करोगे सेलिंग या पर्टिकुलर अलग अलग सोर्सेज के थ्रू करोगे और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू करोगे। तो ये आपको चूज़ करना है, जो कि एक तरीके से आपकी कॉम्पिटिटिवनेस और फंक्शनिंग पर इन्फ्लुएंस डालता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब देखो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो तो मैं आपको क्या कराऊंगा, अगली वीडियो में कवर कराऊंगा। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, ये सारा पार्ट है तो वो तो क्या अगली वीडियो में होगा, पर इससे रिलेटेड जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके कुछ एमसीक्यूज है वो हम देख लेते हैं एक एक करके, अराउंड 6-7 हैं तो मैं कवर करा देता हूँ, बाकी जो बचेंगे वो अगली वीडियो में साथ में ही एक्सटर्नल के साथ कवर हो जाएंगे। तभी मैंने पहले वही लिए हैं जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, पास्टर के एमसीक्यूज है जून 15 का है, क्या बोल रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड। अब आपको मैंने बताया कि बिजनेस के एथिक्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स जो बिजनेस फॉलो करता है अपने डेली डीलिंग्स के पार्ट में, मैं बोल सकता हूँ, या जो भी उसने नॉर्मेटिव या डिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड तय किए हैं उसको वो कैसे बिजनेस में अप्लाई करता है वो पार्ट है। बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसी, ये भी ठीक है क्योंकि बिजनेस की पॉलिसीज़ की बात कर रहा है, न कि बाहर की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात कर रहा है, अगर वो होती तो वो एक्सटर्नल होती। प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, तो अब बिजनेस डेवलपमेंट के क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, कैसे कैसे बिजनेस डेवलप करेगा, ग्रो कैसे करेगा, वो सारा पार्ट। गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे आपका जो पार्ट आ गया वो जनरली किसका पार्ट आ गया, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का आ गया, तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई। तो मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि इसमें जनरली आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट ले सकते हैं क्योंकि उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का पार्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन है तो जनरली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, तो वो एक्सटर्नल हो गया, ये नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जनरली हम देख सकते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कितना है, कंपनी की इमेज क्या है, ताकि वो जॉइंट वेंचर अलायंस ये सारा पार्ट कर सके, तो कैसा रिलेशनशिप है वो देखा जाता है, तो वो इंटरनल में आएगा। तो ए बी सी और ई इंटरनल है और डी क्या है, एक्सटर्नल। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये क्या होगा, मैंने ए बी सी डी लिख दिया या 1, 2, 4 कर दिया, पर समझ जाना 1, 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका डी होगा, यानी इस केस में इसको नहीं लिया जाएगा और बाकी सारे पार्ट को ले लिया जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है कि विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, दिसंबर 12 का है। अब देखो कौन सा एलिमेंट नहीं है, आपको पता है कि मार्केटिंग कैपेबिलिटी कितनी है आपकी, वो इंटरनल है, आप उसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, उसको भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि आपका क्या स्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, कितना ऑपरेशन कर सकते हो, क्या लेबर है, क्या फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, वो सारा पार्ट इसमें दिख रहा है। फिर आप देखोगे मनी एंड कैपिटल मार्केट, तो जनरली ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये फाइनेंस एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, ये एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है। और पर्सनल कैपेबिलिटी मैंने थोड़े थोड़े कवर किए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, जैसे ही अगला पार्ट एक्सटर्नल का आएगा तो आपको सारा पार्ट पता चल जाएगा कि ये फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्यों है। फिर भी आप देख लीजिए, आपको पता है कि मनी एंड कैपिटल मार्केट, तो जहाँ पे आपको मनी की नीड है उससे रिलेटेड पार्ट आ गया, फाइनेंस की नीड है। तो पर्सनल कैपेबिलिटी, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट की अप्रोच कर रहे हो, वो भी तो पार्ट आ गया। पर्सनल मतलब क्या हो गया, ह्यूमन, तो ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, वो सारा पार्ट किस में था, इंटरनल में था। तो ए बी एंड डी इसका पार्ट रहेगा, क्या रहेगा, ए बी और डी। तो यहाँ पे इसका मैंने ऑप्शन वैसे दिया नहीं है, तो ए बी डी किससे रिलेटेड है, इंटरनल से रिलेटेड, याद रखना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसको एक बार हटा देता हूँ, इसका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा सी, कि विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, मनी एंड कैपिटल मार्केट। तो ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, और ये क्या है आपका, फाइनेंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एक्सटर्नल है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे भी देखिए, मिशन ऑब्जेक्टिव ये तो है ही इंटरनल का, ह्यूमन रिसोर्सेज ये भी इंटरनल का है, अभी भी अपने पढ़ा। कस्टमर्स जब भी देखोगे
तो वो आपका जो पार्ट आएगा एक बार ऊपर से आप देख लेना, उसमें मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो में बताया। तो माइक्रो क्या है, कस्टमर से रिलेटेड है। माइक्रो में कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट इंटीग्रिटी, सप्लायर्स, ये सारे पार्ट आते हैं। तो ये आपका पार्ट जो आएगा वो अगली वीडियो में आएगा। फिर भी आप देख लीजिए कि बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो आपको इंटरनल पता है वो देख लीजिए, ये भी है, ये भी है। शेयर होल्डर्स की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, फैमिली कंट्रोल है या प्रोफेशनली मैनेज है, उसमें नॉमिनी की कितनी वैल्यू है, प्रमोटर्स की क्या वैल्यू है, वो सारा पार्ट क्या आएगा, शेयर होल्डर्स की वैल्यू से रिलेटेड है, तो वो इंटरनल है। इसलिए कस्टमर्स क्या होगा, इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं है, वो है एक्सटर्नल। फिर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, अब दो बचे हैं। ये बोल रहा है कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसिडर्ड एज आइदर क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग और एज ओपन एंड पार्टिसिपेटरी। इसका मतलब क्या हो गया, जनरली जो भी कॉर्पोरेट कल्चर होता है, जो भी एथिक्स, नॉर्म, पॉलिसीज होती है, या तो वो क्लोज होती है ताकि आपको, आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, जो भी कॉर्पोरेट कल्चर अपना रहे हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो वो सामने वाले के लिए एक तरीके से क्या होगा, थ्रेटनिंग होगा। ओपन एंड पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या है, आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि हम इस तरीके से अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से अपने नॉर्म्स पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, तो सामने वाला भी एक तरीके से क्या होगा, अपनी आपकी कंपनी को एक अपना आइडल मानेगा और उस तरीके से फॉलो करने की करेगा। तो एक तरीके से आप पार्टिसिपेटरी एफर्ट दिखा रहे हो, ठीक है। तो रीजन में क्या बोल रखा है, कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टॉप मैनेजर, मतलब टॉप पोजीशन से जो आती है, मैंने बताया, इज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ए कंपनी। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर टॉप मैनेजर जो नॉर्म्स, पॉलिसी, एथिक्स, वैल्यूज़ फॉलो करेंगे, वही आने वाले एम्प्लॉयज़ या जो नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं, मिडिल वाले डिपार्टमेंट के या लोअर डिपार्टमेंट के, वो सारे के सारे फॉलो करेंगे। जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे के सारे वही स्टाइल फॉलो करेंगे। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि जो असर्शन दिया गया और रीजन दिया गया दोनों करेक्ट हैं। और यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ये फोर्थ पार्ट है, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि आप जनरली देखोगे कि यहाँ पे कोई इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं आ रहा, दोनों ही करेक्ट हैं, मैंने बोला सही बात है, लेकिन वो जनरली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनरली आप क्या बोल रहे हो, क्लोज्ड, और साथ ही साथ क्या बोल रहे हो, ओपन भी होता है। जबकि टॉप मैनेजर जो बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। तो टॉप मैनेजर जो भी पार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, एक तरीके से क्लोज वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले पार्ट में आप देखते हैं क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू बिजनेस एथिक्स। तो देखो पहला क्या है, बिजनेस एथिक्स इज द बिहेवियर दैट ए बिजनेस अदेयर्स टू इन इट्स डेली डीलिंग्स। द एथिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस कैन बी डाइवर्स। बिजनेस एथिक्स हैज़ नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस। तो जनरली आप इसका क्या बोल सकते हो, देखो बिजनेस एथिक्स क्या है, जो कि अपनी डेली डीलिंग में होती है, सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी एथिक्स है, जो भी नॉर्म्स है, वो आपको डेली फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरीके से आपको पता है कि एथिक्स ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस, आपका जो एथिक्स है, जरूरी नहीं कि सामने वाला वो भी फॉलो कर रहा हो, क्या पता वो अपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो कर रहा हो और कोई कंपनी क्या कर रही है, कुछ और नॉर्म्स, पॉलिसीज, वैल्यूज़ को फॉलो कर रही है। तो इसलिए वो डाइवर्स होती है, अलग अलग जगह, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होती है। इसके बाद मैंने बताया कि इसका कोई स्टैंडर्ड होता है जिसको हम नॉर्मेटिव, जब भी नॉर्मेटिव बोले तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, इसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में होती है, मतलब डिस्क्राइब की भी होती है। तो ये बोला सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप कौन सा देंगे, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव। तो मैं क्या बोलूँगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जरूरी नहीं कि बिजनेस एथिक्स इससे रिलेटेड हो, फिर भी मैंने साथ साथ इंटरनल एनवायरनमेंट में कवर करा दिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स रिफ्लेक्ट द फिलोसॉफी ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही बात, जनरली आपको पता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में फिलोसफीज, विजन, मिशंस, ये सारा पार्ट आता है। तो बिजनेस एथिक्स भी क्या बताएगा कि आपके बिजनेस की फिलोसॉफी क्या है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स इज ए फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स। जनरली ये अप्लाई होती है, क्योंकि जब भी बिजनेस एथिक्स होती है उसको सारे पर्संस को या सारे जो भी कंपनी के मेंबर्स उसको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो बिजनेस का मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा और बिजनेस की ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगी। क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट में ही गड़बड़ है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी क्या करेगा, एक तरीके से और ज़्यादा बर्डन लेके आ जाएगा। सी, बिजनेस एथिक्स आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। नो, ये खुद की बिजनेस की पॉलिसीज होती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट नहीं है। तो एक तो ये सी अपन ने देख लिया, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। डी देखो, एथिक्स आर द स्टैंडर्ड्स विच गवर्न डिसीजन ऑन डेली बेसिस। ये अपन ने अभी भी पढ़ा था,
जनरली यही होते हैं जो कि डेली बेसिस पे गवर्न होते हैं। आप ये नहीं कि एक दिन आपने एथिक्स फॉलो कर लिए और अगली बार अपन एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, या जो भी अपन ने पॉलिसीज़ नॉर्म्स बनाए हैं बिजनेस की वो हमें डेली बेसिस पे फॉलो करनी पड़ती है, तभी एक तरीके से आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा और जो भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है वो अच्छे ढंग से ग्रैब कर पाएगा। तो यहाँ पे जो पार्ट है वो 6 क्वेश्चंस मैंने कवर करा लिए, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, और कुछ 4-5 क्वेश्चंस भी आपको मैं कवर करने के लिए दूंगा या देखता हूँ कि मैं ही आपको करवा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपके जितने भी मैंने बताया रिलेटिव या ग्रुप हैं, जितने भी जानकार हैं, उन पर जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि लोएस्ट फीस है और सारा का सारा पार्ट कवर होगा तो वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और तक भी ये पार्ट पता चल सके और उनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। तो ज़रूर आप देखिए, आगे और वीडियो कवर होती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।